या अली मदद जमात, नया साल, नई उम्मीदें और नई शुरुआत। इस वर्ष का हर दिन हो खुशियों से भरा। आप सबको खाना खजाना की टीम की ओर से नवरोज मुबारक। कहते हैं फूड इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट दैट बाइंड्स अस टुगेदर। हमारी ट्रेडिशनल डिशेस हमें एक साथ जुड़े रखती है और इन्हीं डिशेस को हम हमारे त्योहारों पर बनाना पसंद करते हैं और इसे हमें एक साथ रहने का एहसास दिलाती है। आज के इस नवरो स्पेशल एपिसोड में हम आपके लिए बस यही ट्रेडिशनल डिशेस लाए हैं जो आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लजीज और शानदार नवरोज स्पेशल एपिसोड। अंडा जीवन का प्रतीक है, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक अंडे की डिश से जिसका नाम है नरगिसी कबाब। क्या आप जानते हैं कि इस डिश को नरगिसी कबाब क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि इस कबाब को जब हम बीच में से काटते हैं तब वो एक नरगिसिस फ्लावर की पेटल की तरह दिखती है और इसलिए इसको नरगिसी कबाब कहते हैं। तो चलते हैं बैंगलोर नरगिस मिठानी के किचन में जो हमें उनकी नरगिसी कबाब बनाना सिखाएंगे। याली मदद, नवरोज मुबारक। मैं नरगिस मिठानी बैंगलोर इंडिया से आज आपके साथ नवरोज पे बनने वाले एक स्पेशल स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप सब जानते हैं कि नवरोज में अंडे या एग्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है नरगिसी कबाब। नरगिसी कबाब बेसिकली शामी कबाब का ही एक वेरिएशन है क्योंकि इसमें हम अंडे को उबाल के शामी कबाब का जो बैटर, जो मसाला होता है, उसी में लपेट के उसे फिर से फ्राई करके बनाते हैं। नरगिसी का मतलब है नरगिस जैसी और नरगिस एक फूल का नाम है जिसे हम लोकली रजनीगंधा या इंग्लिश में ट्यूब रोज बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये फूल बीच में से पीला और उसके आसपास की जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद होती है, बिल्कुल अंडे की तरह। तो इस कबाब में हम जो बनाने वाले हैं उसमें भी हम देखेंगे कि बीच में पीले अंडे की पीली होगी, उसके आसपास अंडे की सफ़ेदी होगी और बाद में कबाब का मसाला होगा। तो आइए देखते हैं इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नरगिसी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस प्रकार है। यह है 1/2 किलो खीमा, ये मटन का खीमा है, आप चाहे तो चिकन का खीमा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट हमारे स्वाद अनुसार, 7 से 8 अक्खी लाल मिर्ची है, साबुत लाल मिर्ची जिसे मैंने धो के 2 घंटे पहले भिगा दिया था। ये है 1/4 कप या 50 ग्राम चने की दाल, इसे भी मैंने धो के 3-4 घंटे पहले भिगो दिया है। हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 कटी हुई प्याज और ये 1 आलू है जिसे मैंने धो के ले लिया है। जब हमारा खीमा पक जाएगा उसके बाद में जब हम उसे पीस लेंगे तब हम उसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून कटी हुई कोथमीर, 1 टीस्पून कटा हुआ फुदीना और 1 टीस्पून गरम मसाला। यहाँ मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, इसमें से 3 अंडे हम बॉईल करेंगे और 1 अंडा जो है वो हम कबाब फ्राई करने के लिए लेंगे। तो कबाब को पहले हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, उसके बाद फेंटे हुए अंडे में डुबो के तलेंगे और वो अंडे में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च या काली मिर्च जो भी आपको पसंद है और ये है तेल जो हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम खीमा ले लेंगे कुकर में, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये मिर्ची जो हमने भिगा के रखी थी, चने की दाल, प्याज, एक टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा,
क्वार्टर टीस्पून हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और आलू जो मैंने धो के रखा था उसको हम ऐसे ही ऊपर रखेंगे। बाकी का मसाला पकने के बाद हम उसे पीसेंगे, लेकिन पीसते वक्त आलू को मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से पूरा मसाला एकदम ग्लूई हो जाएगा, एकदम चिकट हो जाएगा। तो आलू को हम निकाल के छील के अलग से मैश करेंगे और फिर इस पीसे हुए मसाले में डालेंगे। तो विदाउट एडिंग एनी वाटर, बिना पानी ऐड किए हम ये कुकर को चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। हमें फ्लेम ऑन करके राह देखनी है कि जब इसमें से स्टीम निकलने लगे तब हमें कंफर्म है कि इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं है, उसके बाद ही हम विसिल लगाएंगे। इसी तरह से जब कुकर स्विच ऑफ करते हैं तभी भी हमें फोर्सफुली ढक्कन नहीं खोलना है या विसिल को नहीं निकालना है, लेकिन उस कुकर में से प्रेशर को अपने आप ही रिलीज होने देना है। आप देख सकते हैं कि अब स्टीम निकल रही है, तो अब मैं विसिल को इस पर लगा दूँगी और एक विसिल होने के बाद हम फ्लेम को स्लो करके इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम अपने हमने जो अंडे लिए हैं उसे उबाल लेते हैं। तो अंडों को मैंने इस बर्तन में लेके पानी डाल दिया है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अंडे डायरेक्ट फ्रिज में से इस्तेमाल नहीं करने हैं, लेकिन उसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर आने चाहिए और उसके बाद ही हम पकाने के लिए रखेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ ताकि जो अंडे हैं वो क्रैक ना हो और उसकी सफ़ेदी बाहर ना आए। अंडों को भी हम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे ताकि वो पूरी तरह से अंदर से पक जाए। हमारे अंडे बॉयल हो चुके हैं और मैंने सारा गर्म पानी फेंक के इमीडिएटली उसमें ठंडा पानी डाल दिया है ताकि इसे अंडों को छीलने में आसानी हो, और कुकर में से भी सारी स्टीम निकल चुकी है। तो हम कुकर को खोल लेते हैं और ये जो आलू है इसको हम अलग से निकाल लेंगे। एक बार ये ठंडा हो जाए फिर हम इसे पीस लेंगे, और इसको पीसने के बाद अलग से इस आलू को छील के मैश करके फिर हम इसमें मिलाएंगे। हम मिक्सी में आलू को साथ में नहीं डालेंगे वरना पूरा मसाला जो हमारा एकदम चिकना हो जाएगा। ये पूरा मसाला जो हमने मिक्सी में पीसा है वो है। अब आलू को मैं अलग से मैश करूँगी और इस आलू को इस मसाले में हमें मिलाना है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, पुदीना और कोथमीर, और इसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे को मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स में रोल कर देती हूँ, इससे मसाला जो है कबाब का वो इस पर अच्छी तरह से चिपकेगा, वरना कभी कभी कबाब तलने के बाद वो एग से अंडे से छुट्टी हो जाती है। मैंने 3 नरगिसी कबाब बना ली है और अब इसे फ्राई करना है। तो पहले हम अंडा फोड़ लेते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी लाल मिर्च, जैसे मैंने पहले बताया आप चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और फिर हम अंडे को फेंट लेंगे। तो तेल गरम हो चुका है, कबाब चलते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा मुंह से ऐसे टेढ़ा करे ताकि सारी साइड से वो अच्छी तरह से पक जाए, वरना खाली ऊपर और नीचे से और साइड से रह जाएगी इसकी। कबाब फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी तीनों नरगिसी कबाब तल के रेडी है, अब हम इसे कट करेंगे। तो मैंने कबाब को कट कर लिया है और जैसे मैंने आपको बताया था इसमें नरगिस के फूल की तरह बीच में पीला हिस्सा है और आसपास फूल की पत्तियां जो वाइट होती है उसकी जगह अंडे की सफ़ेदी है, इसलिए इस कबाब का नाम है नरगिसी कबाब। अब हम थोड़ा फ्लेवर के लिए चाहे तो इस पर थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, दिस इज़ ऑप्शनल। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये हमारी नवरोज स्पेशल स्टार्टर डिश नरगिसी कबाब रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आली मदद।
हमारी नेक्स्ट रेसिपी है ट्रेडिशनल वेजिटेरियन मुठिया। मुठिया नाम इसलिए क्योंकि इस आटे को हम अपनी मुट्ठी में लेकर इसे फिस्ट का शेप देते हुए कोमलता से बनाते हैं। इस डिश में बहुत सारी वेजिटेबल्स और पल्सेस डाले जाते हैं और ये वेजिटेरियंस के लिए एक सुपर हेल्दी और डिलिशियस ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं शबनम मर्चेंट से, मुंबई से, उनके किचन में जाते हैं और देखते हैं उनके वेज मुठिया कैसे दिखते हैं। याली मदर, मेरा नाम शबनम मर्चेंट है, मैं ये बैंड्रम में रहती हूँ और मैं यहाँ किचन चलाती हूँ, सिमरिंग पॉट्स द किचन। ये एक केटरिंग किचन है जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी सर्विस होता है। ये मैं 12 साल से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी खुशी है कि मैं लोगों को अच्छा खाना पका के खिलाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे, करीबन 1 कप ऑफ ऑयल हम लोग बना रहे हैं, 1/2 kg। अब तेल जैसे गर्म होता है हम लोग इसमें ये प्याज डालेंगे, कांदा, दिस इज अबाउट 4 onions, 4 कांदे स्लाइस किए हैं। तो ये कांदा हमने डाल दिया है तेल में और उसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है, इट शुड बी सॉफ्ट एंड पिंक। लाल करने पे थोड़ा बिटर टेस्ट आ जाता है और मुठिये में हमको इसका थोड़ा मीठापन चाहिए। ये अच्छा सॉफ्ट और पिंक हो गया है। यहाँ पे हम लोग इसमें ये 4 कटे टमाटर डालेंगे, टमाटर बारीक कटा है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 teaspoon एंड लिटिल टर्मरिक हल्दी। हमने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, हम लोग इसको थोड़ा कवर करके पकने देंगे। जैसे हो गया है थोड़ा सा सॉफ्ट, टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम लोग इसके अंदर ये कठोर डालते हैं। ये पूरी रात भिगा के उसको स्प्राउट किया है। इसमें है मूंग, मटकी, चौली, चना एंड बटर, ग्रीन पीस, बटानी। इसको हम लोग थोड़ा ऐसा मिक्स कर देते हैं और अभी इसके अंदर हम लोग 2 ग्लास पानी डाल देंगे। और इसको हम लोग हल्के पकने को छोड़ देंगे। ओके, अभी 5-7 मिनट हो गई है। देखिए वेजिटेबल अच्छे गल रहे हैं। ओके, अब इस टाइम पे हम लोग इसमें ये सारी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भाजीज हैं वो डालेंगे। इसमें है चौली 1 bunch, छोटी मेथी 3 छोटे bunch, धनिया 1/2 bunch, बड़ी मेथी की भाजी 1/2 bunch, ओके, एंड दिल लीव सुआ भाजी जस्ट 2 tablespoons, ओके, ये हम लोग इसमें डालेंगे। इसमें ये जो जितना मैं क्वांटिटी बताई हूँ इसमें से मैंने थोड़ा अलग निकाल लिया है जो मैं बाजरे के आटे में डालूँगी। तो 3/4 जो भाजी का क्वांटिटी है वो इस हंडी में जाएगा एंड 1/4 क्वांटिटी बाजरे के आटे में जाएगा। भाजी के साथ हम लोग इसमें ये कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट है 1/2 a coconut, इसमें से भी हम लोग जैसे 3/4 इसमें डालेंगे और 1/4 हम लोग बाजरे के आटे में डालेंगे। अब इस स्टेज पे हम लोग को इसमें थोड़ा मसाला डालना है। तो ये हरा मसाला ये हम लोग डालेंगे। इसमें है चिली पेस्ट, जिंजर, गार्लिक एंड धनिया, ये मैं डालती हूँ 2 tablespoons। ओके, हम लोग इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे 1/4 teaspoon,
धनिया जीरा पाउडर मिक्स्ड है, धनिया और जीरा ये मैं डालूंगी, ये 3 टेबल्स। चिली पाउडर 2 टेबल्स और हम लोग डालेंगे थोड़ा नमक टेस्ट के हिसाब से, मैं भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये याद रखना है कि ये मसाले अपने मुठिये में भी जाते हैं। ये सबको मिक्स करके, अभी भाजी का भी पानी निकलने वाला है लेकिन अभी हमको इसके बाद वेजिटेबल्स भी पकाने हैं, तो हम लोग थोड़ा और पानी अंदर डाल, ये सब भाजी डालने के बाद हम लोग इसको ढक के पकने को छोड़ देंगे। ब्रिंजॉल को हम 4 पीस में काट लेंगे। गाजर हमने स्टिक्स के जैसी काट के रख दी है, सो इजी टू कुक। फ्रेंच बीन को भी बीच में से स्लिट करके उसको पीसेस किया है। अभी ये सारे वेजिटेबल्स मैंने काट लिए हैं, सब कुछ रेडी है हमारे पास। ये अभी हमको इस हंडी में डालने हैं। सिर्फ ड्रमस्टिक और पटेटो हम लोग अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स कुक होने को टाइम ज़्यादा लेते हैं। इस समय सब भाजी नरम है तो हम लोग ये सब वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया ये सब मैं इसमें डाल, हम लोग सिर्फ इसमें आलू और ड्रमस्टिक अभी नहीं डालेंगे जब तक ये हम इसको पकने को रखेंगे। अब ये स्लो फ्लेम पे पकता है तब तक हम लोग मुठिया बना के रेडी करें। ये हम लोग को मुठिया बनाने का है। ये हमने 1/2 किलो बाजरे का आटा लिया है और जैसा मैंने पहले बताया कि जो भाजी जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने डाली थी 3/4 हमने हड्डी में डाली है और 1/4 ये मैं भाजी में इसमें बाजरे के आटे में मिक्स करूँगी। ठीक है, अभी इसके साथ हम लोग डालेंगे ये जो 1/4 part ऑफ द कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, कुचा हुआ नारियल, ये हम लोग डालेंगे। हम लोग इसमें डालेंगे हरा मसाला करीबन 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा सा हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया जीरा 1 heaped tablespoon, चिली पाउडर ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जैसे तीखा खाना है वो हिसाब से। और हम लोग डालेंगे नमक, और हम इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल डालने से मुठ्ठी अच्छे थोड़े नरम होते हैं। तो ये हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, अभी हम लोग इसका एक डो बनाएंगे, सबको पूरा मिक्स करें। पानी बहुत कम क्योंकि भाजी में अपना पानी बहुत होता है, हमने ऐसे हल्का सा पानी डाला है और इसको मिक्स करें। मुठ्ठी में बाजरे के आटे में पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, फ्लेवर्स भाजी के पूरे रिलीज होने चाहिए। उसको ऐसे क्रम्बल करते हैं तो जब ये हम लोग पूरा मिक्स करते हैं तो हम लोग इसका मोंड चेक करते हैं, जो तेल हमने डाला है उसका मोंड सही होना चाहिए। अगर मोंड कम लगता है तो हम लोग और थोड़ा तेल डाल देते हैं। बाजरे का आटा कभी नया होता है तो बहुत जल्दी नरम हो जाता है, अगर जुन्नी बाजरी है तो थोड़ा ज़्यादा मोंड लेती है। ये पूरा ऐसे मिक्स करने के बाद हम लोग को इसका मोंड चेक करना है, तो ये हम लोग ये ऐसे देख, अब ये थोड़ा मोंड कम लग रहा है इसका मतलब इसको और थोड़ा चाहिए, तो हम लोग और डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक चख सकते हो हल्का सा, कम ज़्यादा आपके हिसाब से। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा पानी मिक्स करें, जैसे हम लोग आटा बनाते हैं
रोटी का वो थोड़ा नरम होता है, ये थोड़ा सख्त करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते। मुठे जो है जब खाने में मुँह में आए तो दे शुड क्रम्बल, मुँह में पिघल जानी चाहिए। तो अगर उसको बहुत सख्त ज़्यादा पानी डालेंगे या सख्त आटा बनाएंगे तो नहीं होता। पौना ग्लास, थ्री फोर्थ ग्लास मैंने अभी तक डाल दिया है, ये मैं बाकी का भी डाल दूँ। अब इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही रहने दूंगी और इसके अंदर हम लोग बटाटा और ड्रम स्टिक्स सीम डाल देते हैं। ये हम इसके लिए लेट से डालते हैं कि ड्रम स्टिक्स टूट नहीं जाए, बहुत जल्दी डाल देंगे तो ये टूट जाते हैं। बस इसको हल्के से हिला के हम लोग इसको ढक के फिर से पकने को छोड़ दें। अभी हमने ये सब सब्जियां, आलू, ड्रम स्टिक, जितनी वेजिटेबल्स है सबको पकाने को छोड़ दिया है, वो स्लो फ्लेम पे पकेंगी, तब तक हम लोग मुठिया बना लेंगे। मुठिया मतलब ये तुम्हारे हाथ के जैसे फिंगर्स के ग्रूव्स दिखने चाहिए, तब उसको बोलते हैं मुठिया। तो हम लोग ये ऐसे मुठिए बना लेंगे, बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। अभी हमारे सारे मुठ्ठे बन के रेडी है, इसको भी हमको ग्रेवी में डालना है और धीमे आंच पे स्लो फ्लेम पे उसको पकाना है। हम लोग ये हंडी खोलेंगे, देखें इसके अंदर हम लोग को ये मुठ्ठे डालने हैं, लेकिन याद रहे सब एक साथ नहीं डाल सकते, इसे हमें धीरे धीरे डालना है एक एक। ये जहाँ जहाँ हमको उबाल दिख रहा है वहाँ पे हम लोग ये मुठ्ठी डाल देंगे और उसको हल्का सा हिला देंगे। ये ऐसा करने से आपके मुठ्ठी टूटेंगे नहीं और अच्छे से पकेंगे, नहीं तो क्या होगा अंदर पूरा खिचड़ी, आपको मुठिया ही नहीं दिखेगा। ये देखें इसको धीरे से हमने स्टोर करना है, ये ऐसे सिर्फ उसको जगह बनाए, हिला दिए उसको अंदर सोख होने दे दो और उसको ढक के पकने को दे दो बारीक। अभी 15 मिनट हो चुकी है, हम लोग चेक करते हैं हमारा मुठिया हो गया होगा। देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुठिया रेडी। देखें अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, अब वेज मुठिया सब रेडी टू ईट। हमारी अगली डिश का नाम लेते ही आप कहेंगे वाह, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही डिलिशियस माउथ वाटरिंग खीमा रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिकन खीमा। इसमें जो हरा मसाला है उसका रंग और फ्लेवर इस डिश को बहुत ही अच्छा देता है। इसे आप नान या रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं नादिया टीडा मुंबई से उनके किचन में और देखते हैं उनकी ग्रीन खीमा रेसिपी। याली मदर, आप सबको नवरोज मुबारक। मेरा नाम नादिया टीडा है और मैं मुंबई से हूँ और मैं घर में से केटरिंग का बिजनेस चलाती हूँ। आज मैं आप लोग को चिकन ग्रीन खीमा बनाने की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। आधा किलो मिन्स खीमा, एक बाउल भर के ऑयल, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, सुआ की भाजी, 1 बॉल ऑफ ग्रीन पीस, 2 मीडियम साइज अनियन बारीक कट, 1 बॉल ऑफ कोथमीर एंड हरी मिर्ची पेस्ट, 1 बॉल ऑफ कस्तूरी मेथी कट करके बारीक, 2 टेबल स्पून प्योर घी, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टीस्पून खीमा मसाला पाउडर, एंड इफ़ यू डोंट हैव खीमा मसाला पाउडर तुम तंदूरी मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने गैस ऑन कर दिया है, अभी इसके अंदर अपन वेसल के अंदर अपन ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होएगा वैसे उसके अंदर अपन अनियंस डाल देंगे। अभी इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, बारीक कटी हुई कस्तूरी मेथी,
और इसको सॉटे करेंगे, इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती है। अभी कस्तूरी मेथी के जब खुशबू निकल जाती है तब उसमें है ना अपन चिकन मिन्स खीमा आधा किलो धोयला खीमा डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक ये खीमा थोड़ा वाइट जैसा नहीं हो जाता जब तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये खीमा वाइट हो गया है तो अब इसमें अपन अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। अभी इसमें ना लिड डाल के इसको कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे जब तक ये हाफ कुक ना हो जाए। अभी इसको सॉटे करना है, 5 मिनट्स हो गया है। अब इसमें अपन ग्रीन पीस डाल देंगे यानी बटाना डाल देंगे। अभी ये लिड कवर करके इसको है ना मीडियम फ्लेम पे रख देना है फॉर 10 मिनट्स। अभी ये ढक्कन खोल के अपन को चेक करना है कि पानी सूखा है। अगर ये पानी नहीं सूखा है तो यही पानी के अंदर खीमे को अपन को पकने देना है, साथ में बटाना भी पक जाएगा। अभी आपको इसको लिड के साथ कवर करना है, इसको और 5 मिनट्स के लिए रखना है, 5 मिनट के लिए और रखना है जब तक खीमा पक नहीं जाता है। अभी ये खीमा 5 मिनट हो गया है। अभी ये ढक्कन खोल के उनको एक बार चेक करना है कि बटाना और खीमा पक गया है कि नहीं। अभी अपन को इसमें कोथमीर और हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है, 3 हरी मिर्ची और कोथमीर, इसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। इसको मिक्स करना है, सॉटे करना है जस्ट फॉर 2 मिनट्स। कोथमीर और हरी मिर्ची के साथ ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अभी ये वेसल को साइड पे रखना है। अभी इस पर अपन को एक बघार करना है। पहले इसमें अपन को प्योर घी डालना है, फिर इसके अंदर सुआ की भाजी डालनी है, वॉश करेली एंड बारीक कट सुआ भाजी वो डालना है। गैस को थोड़ा स्लो कर देना है। फिर इसमें पेपर पाउडर डालना है, ये खीमा मसाला है, कोई भी ब्रांड का खीमा मसाला ले सकते हैं। अगर जो खीमा मसाला नॉट अवेलेबल तो तुम है ना इसके अंदर तंदूरी मसाला पाउडर डाल सकते हो। अब ये बघार ये खीमे में डाल देना है जो अपने प्रिपेयर किए थे। फिर इसको वापस एक बार सॉटे करना है। अभी ये बघार डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए लिड कवर करके रखना है, इससे ऑयल पूरा सेपरेट घी तेल सब ऊपर आ जाएगा और इसकी खुशबू भी आएगी। तो मैं इसको लिड कवर कर रही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए और स्लो गैस पे। अब देखो ये तेल सेपरेट हो गया है, पानी भी सूख गया है और ये ग्रीन खीमा रेडी है, चिकन मिन्स ग्रीन खीमा। अब ये ग्रीन खीमा रेडी हो गया है और इसको तुम चपाती नान और पाव के साथ खा सकते हो। मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोग भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होगी। तो अब वक्त है हमारे लास्ट रेसिपी का जिसका नाम है फ्रूट ट्राइफल। वेरी इजी, क्विक टू मेक एंड वेरी डिलिशियस स्मूथ कस्टर्ड। इट इज अ परफेक्ट डिश फॉर अ शेयरिंग सेलिब्रेशन। इसे गार्निश कीजिए फ्रेश फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ या फिर फ्रेश क्रीम के साथ और देखिए यम, व्हाट अ लवली रेसिपी। तो चलिए नादिया दामानी की किचन में जो है हैदराबाद से और देखते हैं इनकी फ्रूट ट्राइफल रेसिपी। प्यारी मदर, नवरोज मुबारक। मेरा नाम नादिया दामानी है और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मीठे के बिना हर त्यौहार अधूरा होता है। आज हम नवरोज के उपलक्ष्य में फ्रूट ट्राइफल बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ईजी मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मेन 3 लेयर्स होते हैं। एक केक की लेयर्स होती है, एक फ्रूट का और एक क्रीम की लेयर होती है। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए हम लेंगे क्रिस्टल जेली 1 पैकेट, मिक्स फ्रूट 10 एक बॉक्स, आधा लीटर पानी, 1 लीटर फुल फैट मिल्क, 1 कटोरा मलाई या फिर फ्रेश क्रीम, आधा किलो प्लम केक,
आधा कटोरा दूध, 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 4 से 5 चम्मच शक्कर। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए हमें 2 प्रिपरेशन पहले से ही करके रखना पड़ेगा, एक कस्टर्ड और एक क्रिस्टल जेली। अब हम कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। एक भगोने में दूध लेंगे, उसे पकाने के लिए रखेंगे। उसमें 4 से 5 चम्मच शक्कर डालेंगे। जब तक दूध गर्म होता है हम स्लरी बना लेंगे कस्टर्ड पाउडर की। ये आधा कप दूध है जिसमें हम 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसके लिए दूध लेना, हमें ठंडा दूध लेना होता है, इसे गर्म दूध में मिक्स नहीं किया जाता। अब हम इसे उबलने तक वेट करेंगे, फिर उसमें ये स्लरी मिक्स करके 2 मिनट पकाएंगे। अब ये दूध गर्म हो गया है, हम गैस थोड़ा स्लो कर देंगे और इसमें ये कस्टर्ड की स्लरी धीरे धीरे इसमें डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। इसे हमें 2 मिनट पकाना है ताकि इसमें कस्टर्ड पाउडर की कच्ची स्मेल चले जाए। अब ये दूध पक चुका है, इसे हमें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम जेली बनाने जा रहे हैं। 1.5 लीटर पानी लेंगे, उसमें हम जेली का पूरा पैकेट डाल देंगे। इसे हिलाते हुए मिक्स कर देंगे, इसे गर्म होने देंगे। इसे हमें उबलने तक मिक्स करते हुए रहना है। अब ये उबलने लग गया है, इसमें हम सादा पानी मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। इसे एक प्लेट में जमा देंगे। अब इसे हमें रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में 3 घंटे जमाने के लिए रखना होगा। ये ध्यान में रखना कि इसे गरम गरम ही फ्रिज में नहीं रखना है, इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्रिज में डालना। ये ठंडा हो चुका है। ये ठंडा होने के बाद इस तरह दिखेगा, मलाई जमी हुई है। इसे हमें मिक्स कर देने का है और ये क्रिस्टल जेली ऐसे जम चुकी है। अब ये प्लम केक को हम स्लाइस में कट कर देंगे। अब हम फ्रूट क्रीम को असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। ये स्लाइस किए हुए केक को पूरा एक लेयर नीचे हम बिछाएंगे, पूरा पूरा कवर करके उसमें हम डालेंगे। छोटे छोटे पीस करके भी साइड में कवर कर लेंगे। अब इसका एक लेयर हो चुका है। इसके ऊपर हम फ्रूट सिरप के साथ में उसके ऊपर डालेंगे। इसे पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर ये फ्रूट कैन हम रेडीमेड नहीं लेना चाहे तो घर पे इसे बना सकते हैं। इसको शुगर सिरप, गरम शुगर सिरप में फ्रूट्स काट के थोड़ी देर रख के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसे हम केक के ऊपर सिरप के साथ में पूरा फ्रूट डालेंगे, थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड क्रीम डालेंगे, पूरा कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर हम मलाई को, ठंडी मलाई को मिक्स करके इसके ऊपर दूसरा लेयर डालेंगे। पूरा येलो पार्ट कवर कर लेने का है। अब हम फ्रूट को मलाई के ऊपर डालेंगे। इस तरह से मलाई के ऊपर हमें पूरा फ्रूट बिछा देने का है। इसे हम कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स, हम जेली को डिज़ाइन में कट करेंगे। अब इसके कट हुए पीसेस को निकाल के हम इस पे जमाएंगे। अपना फ्रूट ट्राइफल तैयार है। इसे 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद हम इसे खा सकते हैं।
आप सबको फिर से खाना खजाना की टीम की ओर से नवरोज मुबारक। ये नवरोज हम सब के लिए कामयाबी, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। आपके प्यार और शुभकामनाओं की बारिश बस इसी तरह हम पे मिलती रहे, इसकी दुआ करते हैं। आशा है आपको हमारी आज की रेसिपीज पसंद आई होगी और आप इन्हें नवरोज पर ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए याली मदद।